वेलकम वेलकम नन्नास कुकिंग में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको नींबू का अचार बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये नींबू है, 16 नींबू है टोटल, 2 डज़न नींबू है, 24। तो आप इसको पहले अच्छी तरह मल लेना, उसको लगड़ना, अच्छा कटिंग बोर्ड पे हो या कहीं भी टेबल के ऊपर इसको लगड़ लीजिए। उसका ऑयल जो निकल जाता ना, उसके बाद उसको वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद इसको कपड़े की मदद से या टिश्यू से इसको पोंछ लीजिए। क्लीन करने के बाद पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें, इसको जो है पूरा ड्राई कर लीजिए। फिर अब आप इसको कट करिए, पीसेस आपको जितने पसंद है। ये नींबू का जो साइज़ है ना, काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो आप इसको ना छोटे छोटे पीस, इसके नींबू निकाल लीजिए और छोटे छोटे पीस कट करके डालिए वो एक बर्तन में। आपको जिस साइज का कट करना है कर सकते हैं। तो ये है देखिए, अलग से जो 7 लेमन जो निकाल के रखी दूसरे प्लेट में जो थे, वो जूस के लिए थे, जूस निकालने के लिए। इसका जूस निकाल के इस तरह निकालिए, जूस निकाल के वो जो नींबू कट किया हुआ जो बोल में है उसमें ये जूस डाल दीजिए। बहुत ही जूसी बनेगा ये अचार। इसमें डाल दीजिए जूस पूरा। और देखिए व्यूअर्स, इसको ना धूप में रखिए 1-2-3 दिन। तो धूप में रखने की वजह से अचार ख़राब नहीं होगा। इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच नमक मिला दीजिए, मिलाकर आप धूप में रखिए। फिर ये नमक अगर आप के टेस्ट के मुताबिक अगर कम है तो आप चख के पूरा अचार बनने के बाद भी डाल सकते हैं इसको। तो अब ये इतना काफ़ी है। तो अब इसमें नमक तो पहले डल गया था, ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून गार्लिक है और रेड चिल्ली अचार वाली। अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं तो 2 डाली। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और सौंफ है, ये सौंफ, बड़ी सौंफ 2 टेबल स्पून इसमें डालिए। मुझे बहुत पसंद सौंफ। और ये ज़ीरा और राई का पाउडर है 1 कटोरी, फुल 1 कटोरी आप देखे होंगे, तो काफ़ी। ये ज़ीरा और राई का पाउडर अच्छा काफ़ी हो जाएगा इस 2 डज़न नींबू के लिए। आप देख सकते हैं बराबर हुआ। और
अब देखिए इसमें बघार पड़ गया है, इसमें बघार ठंडा करके तेल डालिए आप, मैं भी इसी तरह डाली हूँ। तो तेल जो है अचार के ऊपर कम से कम 1 इंच रहना चाहिए, तो अचार ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।